दोस्तों, त्योहारों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और भारत के अंदर त्योहारों के समय में बहुत सारी गाड़ियां खरीदी जाती हैं और बहुत सारे लोग अपनी कार को बेचकर नई कार भी लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 ऐसी कारें जो सुरक्षित हैं और आपके बजट में भी आ जाएंगी, जिनका बजट होगा 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली गाड़ी है टाटा की टियागो, जिसे GNCP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं। सुरक्षित कार है और आपके बजट के अंदर भी ये गाड़ी आ जाती है। इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में रहेगी। दोस्तों, दूसरे नंबर की कार है टाटा की पंच, जिसका बेस मॉडल आपको 5.5 लाख रुपए का पड़ता है और टॉप एंड मॉडल की कीमत जाती है 9 से 10 लाख रुपए के बीच में। 7 लाख के अंदर टाटा पंच का आप प्योर रिदम पैक ले सकते हैं, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बन जाता है। यह कार आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिल जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर की कार है टाटा की अल्ट्रोस, अल्ट्रोस भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और दोस्तों इसका बेस वेरिएंट आपको 6 से 6.5 लाख के बीच में पड़ जाता है। नंबर की कार आएगी महिंद्रा की ओर से XUV300 टॉप नॉच 5 स्टार सेफ्टी के साथ ये गाड़ी आती है। बेस वेरियंट की कीमत आपको 6.5 से 7 लाख के बीच में आपको पड़ जाती है। फिफ्थ नंबर की कार टाटा मोटर्स की टाटा टिगोर है, जो सेडान कार है दोस्तों, और 4 स्टार सेफ्टी के साथ यह गाड़ी मिल जाती है। 6.5 से 7 लाख के बीच में आपको इसका बेस वेरिएंट अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ ये गाड़ी मार्केट में उतारी गई है। यह थे 5 ऐसी कारें जिनका बजट 5 से 7 लाख रुपए के बीच में है। अगर आपका भी बजट 5 से 7 लाख रुपए के बीच में है तो आप इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं।